हमारे प्लान्स हैं उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या एक्सपेंसिव लग रहे हैं ईद आउटफिट से, क्या हिसाब किताब है मुर्दी? ओके नहीं, अगला बंदा मार के निकल गया, मतलब मुझे उनसे डर लगता है, वो ऐसे करके आंख में आगे बजेगा मुझे लगता है। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग माय लाइफ। यार सबसे पहले तो मेरी जान, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं देखते, मतलब मुझे बताओ। मैंने देखा है कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ मेरा चैनल, बट मेरे व्लॉग्स नहीं देखते, मतलब यार फिर मैं बनाना छोड़ दूँ, मतलब मैं क्या करूँ? अब फिर मैं डिटेल्स बताऊंगी, फिर तुम लोग स्किप करोगे, फिर देखोगे नहीं, ऐसे मैंने नहीं खेलने, जाओ यार। देखो यार, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी कि यार आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मतलब बहुत शुक्रिया मेरी जान कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग तो अच्छे लगते हैं, बट यार अगर अच्छे लगते हैं तो देखते क्यों नहीं बाद में, मतलब दिस व्हाट इज दिस बिहेवियर, गजब बेइज्जती है। आई मीन व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी। खैर अब सीन क्या है, अच्छा यार देख लिया करो यार, अच्छा सीन क्या है कि अभी यार थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, क्लिनिक के लिए निकलना है, सही है, इंटर्न भी हमारी आ चुकी हैं, वेट कर रही हैं बेचारी। अच्छा यार सीन क्या हुआ कि गाड़ी गई हुई थी मैंने, जैसे कि तुम लोगों को बताया था, तो गाड़ी आज आ चुकी है लेकिन उसका अभी प्रॉपर काम नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया है इतना सा यू नो, तो वो फाद ने दोबारा करवाने जाना है मुझे क्लिनिक छोड़ के, उसके बाद ही वो शोरूम जाएगा। मतलब यार ये बेचारी गाड़ी 2-3 दफ़ा लग चुकी है जब से आई है, उठा ले रे बाबा, मतलब अननेसेसरी लगी है। एक होता ना आपकी गलती होती है, आपने मार दी, ओके नहीं, अगला बंदा मार के निकल गया, मतलब रो, मतलब तुम हमारे खर्चे कराने पे हो, तुम लोगों का तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो यार खैर अभी निकलते हैं बस क्लिनिक के लिए, सही है, और जाके काम शाम देखते हैं। काफ़ी दिनों से व्लॉग की जो कंसिस्टेंसी वही ऊपर नीचे हुई हुई है मुझे पता है, लेकिन अब हम व्लॉग की कंसिस्टेंसी भी ठीक करेंगे, डेली व्लॉग्स पे आने की मेरी बहुत कोशिश है और मैं तुम लोगों के लिए मेरी जान आके रहूँगी। अब मतलब तुम लोग देखना, मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है, मतलब अगर आप लोगों ने व्लॉग देखना है तो मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है, फिर अब मुझे कमेंट करके बता देना चाहिए डेली व्लॉग्स के नहीं चाहिए। नहीं हाँ मतलब बनता है ना यार, ओके। 2000 years later So, okay, this is story time. कि यार अभी क्या सीन हो, मैं छोटी सी तुम लोगों को स्टोरी बताऊं यार, कि एक क्लाइंट आई थी, ठीक है, उनकी दो फाइल थी, उनके पुराने विजिट के, एक अभी जो न्यू फाइल बनी थी, जो मेरी इंटर्न थी, उनको मैंने केस स्टडी के लिए बोला कि आप उनकी फाइल और केस स्टडी करें। हुआ क्या सीन, जो इंटर्न की फाइल थी वो उनको चली गई, ठीक है, जिसके अंदर उनकी असाइनमेंट थी और वो मैंने चेक करनी थी, और जो हमारे पास मिस की फाइल थी, जो हमारे पास क्लाइंट थी उनकी, जो मैंने यहाँ पर रख दिया। मतलब यार तुम लोग देख सकते हो कि क्या दिमाग पागल हो जाता है यार, इतने काम करते कौन है ये लोग, दिमाग ही बंद हो जाता है। खैर अभी तकरीबन जी हो चुके हैं 5:30 तकरीबन, 5:10 हो गए, 5:30 हो गई यार। तो अभी घर के लिए निकलना है, अफ्तारी आज घर वालों के साथ करते हैं, सही है, और उसके बाद जी मम्मा का और मेरा प्लान है दिल्ली जाने का, थोड़ी सी ईद के लिए हमने सोचा यार चीज़ें देखें, यार इतने एक्सपेंसिव आउटफिट्स हैं, इतने एक्सपेंसिव, मतलब तुम लोग ब्रांड्स वालों बेच कर रहे हो, मतलब यार ओके, दिस इज़ अ मैसेज आउट देयर टू एवरी ब्रांड, टू एवरी डिज़ाइनर, मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर कि आप लोग 20,000, 25,000, 40,000 का सादा सूट बेच रहे हैं, उसके ऊपर कोई कढ़ाई नहीं, नथिंग, ना कोई स्टाइल है, ना कोई डिज़ाइन है, मतलब बहुत बेसिक, बहुत मिनिमल, मतलब सादा ब्लाउज सिल्क का सूट या 20,000 में बेचो जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, मतलब ब्रो 1200 का सूट आ जाएगा, 600 रुपये सिलाई दूंगी, 2000 में आउटफिट बन जाएगा। खैर तो यार मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी कंसिडरेबल होनी चाहिए कि आप ठीक है पैसे कमाने कमाओ यार, नो प्रॉब्लम, आप बिजनेस कर रहे हो करो, बट इतना बिजनेस यार, इतना आप लोग चूना लगा रहे हो दूसरों को, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो हम जैसे लोग या हम लोग खरीद रहे होते हैं यार, बायकॉट करना ज़रूरी है थोड़ा सा, कि हाँ यार कुछ तो सेंसिबल बात बने, अगर आप चीज़ खरीदें कुछ तो समझ में आना चाहिए। तो खैर यार आप लोगों के जो भी व्यूज़ हैं इस चीज़ को मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि यार आप लोगों को भी क्या एक्सपेंसिव लग रहे हैं ईद आउटफिट से, क्या हिसाब किताब है, मुझे तो क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ढेरों ढेर साइट्स देख ली हैं, सेम चीज़ है, रिपीट हो रही है और पैसे इधर हैं, ये लेवल पहुँचा हुआ है। तो खैर बाकी इस चीज़ को भी फिगर आउट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ हो सकती है, और उसके बाद अभी जाना है जी घर, और घर जाके आज अफ्तारी वगैरह करते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आई सी यू गाइस थोड़ा सा बाद में। A few moments later. तो यार फाहद को मैंने बोला था कि तकरीबन 5:30 के राउंड मुझे ले, लेकिन 5:30 यहीं पे हो चुके हैं, अभी तक वो नहीं आया, तो घर में नहीं गई हूँ, अभी थोड़ा सा इंतज़ार है, देखते हैं अफ्तारी होने में जी सिर्फ 40-45 मिनट्स रह चुके हैं, घर जाके थोड़ी सी प्रिपरेशन कराएंगे अम्मा के साथ, क्योंकि यार हमारी जो केयर टेकर थी, मतलब तैयबा, जिसका आप लोगों ने बार बार मेरे ब्लॉग्स के अंदर सुना है, उसका यार हो गया टाइफाइड, और मतलब वो शीज़ ऑन रेस्ट, तो हमने उसको एक हफ्ते की छुट्टी दे दी, मतलब वो कह रही थी नहीं मैंने आना है, घर का काम कैसे मैनेज होगा, तो हमने कहा बहन रेस्ट करो, ठीक हो, कोई नहीं घर के काम हो जाएंगे, तो इसलिए खैर इस वजह से भी मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, और मैंने सोचा कि यार अम्मा के साथ हेल्प शेल्प कराते हैं, अकेले थक जाएंगी, तो अभी लेकिन फाह नहीं आया, पता नहीं क्या कॉल शॉल करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि क्या सीन है भाई, लेट हो गया क्या है, तो यार इधर ही अफ्तारी मंगवा लें अपने लिए, तो बस यार अभी थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ, बाकी नहीं तो इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और अम्मा के साथ प्लान भी था गलिए जाने का, जैसे मैंने बताया था, तो वो भी अभी तक सॉर्टेड नहीं है, जाना है नहीं जाना, तो उसके बारे में मैं बताऊँगी आपको।
Well, this is your dietitian Mahanasi Roli at Health City. Why is it necessary to visit a dietitian? क्योंकि ये एक ऐसा concept है जो लोगों को पता ही नहीं है कि आपको dietitian को या nutritionist को क्यों visit करना है. तो सबसे पहला point जी, आपकी health को बेहतर बनाने के लिए, आपकी dietary habits को change कराने के लिए आपको एक dietitian की ज़रूरत है. इसके अलावा अगर आप किसी भी disease के साथ encountered हैं, जैसे कि आप कार्डियक पेशेंट हैं, आपको PCOS का मसला है, या आपको लिवर सिरोसिस है, आप किडनी के मरीज हैं, आपको कोई भी डिजीज़ है, तो आपने एक डाइटिशियन को विजिट करना है कि आप खाना पीना अपने उस डिजीज़ के साथ मैनेज करके लें ताकि वो सिम्टम्स और साइंस रिड्यूस हो सकें या मजीद ना बढ़ें. तीसरा पॉइंट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको एक डाइटिशियन को विजिट करना चाहिए ताकि अगर आपको डिजीज़ वगैरह नहीं है तो आपको चांसेस भी ना हो कि आप किसी डिजीज़ पर जाएं. तो इसके लिए अगर आप मुझे विजिट करना चाहते हैं तो आप हेल्थ 360 विजिट कर सकते हैं. मेरी टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक. आई एम अवेलेबल जस्ट 1 फोन कॉल अवे. आप अभी अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं और इसके साथ साथ मेरी सर्विसेज पर 30%. तो यार अभी रास्ते में घर जा रहे हैं, अफ्तारी का टाइम तकरीबन हो गया, देख लो 6 बज चुके हैं, हार्डली 15 मिनट रहते हैं और सामने ये क्या चल रहा है यार. अरे कोई गड्डी च मार गया बच्चे. अच्छा ये बच्ची थी भाई. अच्छा यार तो अभी क्या सीन है कि 6 बज चुके हैं, ठीक है, अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया और ये सामने पता नहीं यार ये क्या चल रहा है. मतलब तुम लोग देखो वो सामने कुछ ना वो दे रहे हैं, बांट रहे हैं बेसिकली. आई थिंक दैट्स दूध सोडा और मतलब हाँ दूध का ही कुछ है. तो खैर यार अभी बस रास्ते में है, अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, घर जाके बस थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और फैमिली के साथ अफ्तारी करेंगे आज. यार मतलब ये क्या दे रहे हैं यार, मेरा तो दिल कर रहा है आई थिंक रू अफजे वाला दूध दे रहे हैं यार, बांट रहे हैं. वो देखो बाबा जी शॉपर के अंदर लेके जा रहे हैं, मतलब ओके हाँ जी वही है. तो खैर घर जाके हम भी पीते हैं दूध सोडा वगैरह बनाते हैं यार, देखते हैं कैसे, मेरा दिल करने लग गया अब ये देख के. तो खैर चलो यार सही है, अब आवाज़ भी नहीं निकल रही, घर पहुँचते हैं. सब्सक्राइब कर दिया करो और व्लॉग्स देखना ना भूला करो मेरी जान, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो ताकि व्लॉग्स मिल जाए, स्किप ना किया करो, बहुत सारी चीज़ें मैंने बतानी होती हैं. ओके बाय. अभी जी मेरे भाई साहब वो सामने समोसियाँ वगैरह ले रहे हैं, पहले एक जगह पर क्योंकि उसके पास सीन ही ख़त्म हो गई थी, तो अब एक और शॉप पे आए हैं. यार घर पे जब आप मेहमान इनवाइट करते हैं तो वो लोग तो फ्राइड डेफिनेटली खाते हैं, उनको न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं होता. लेकिन मैं अपने घर वाले पर थोड़ी थोड़ी सी लगा लेती होती, लेकिन ना वही साफ होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स, तो मेरे घर वाले ये सीन करते हैं. खैर अभी बहुत रोज़ा लग रहा है यार, टाइम हो चुका है बस घर पहुँचना है, 6:08 इधर ही हो चुके हैं और सामान ले रहे हैं अभी तक. तो बस यार बस बाय 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 बाय. एज यू गाइज नो कि यार रात को ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो सका, मैंने बताया था कि अम्मा ने और मैंने जाना है शॉपिंग पे, लेकिन हम लोग नहीं जा सके क्योंकि लेट हो गया था. फादर भी कहता कल चले जाएंगे, मतलब एक तो हमारे प्लान्स हैं उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा भाई मुझे कह देता है कि यार आप लोग कल चले जाना, अभी रहने दो फिलहाल रहने दो. ओके तो अच्छा यार आज ना मौसम बड़ा सीन है भाई, आज धूप शूप नहीं निकली और ये देखो यार हमने ना नए नए फूल लगवाए हैं अपने पूरे लॉन में, ये भी सारे चेंजेस किए हैं, वो भी लगा हुआ है और मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लगी हैं, मतलब सारा लॉन जो था ना भाई हमने रीन्यू करवा दिया है. थोड़ी देर उधर बैठते हैं यार, बैठ के बात करते हैं, रोज़ा लग गया मुझे मेरे ख्याल से. ओके बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. अच्छा जी अच्छा क्या सीन, अरे चिड़ी यार तो तुम लोग एक बात पता है, आई जस्ट डोंट लाइक बर्ड्स क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है, वो ऐसे करके आँख में आगे बजेगा मुझे लगता है. ओके अभी हम लोग निकलते हैं यार गैलरिया के लिए और देख नेक्स्ट व्लॉग में यार अब देखना कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग की, कुछ करेंगे भी या नहीं. उफ जुबान टूट जाती बात करते हुए. ओके शॉपिंग करेंगे या नहीं वो हम देखेंगे, क्योंकि जी क्या सीन है, पसंद आता है नहीं आता कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन सारे हमने एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है, मतलब जितने भी साइट्स थे जो कुछ भी था सब कुछ देख लिया, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया था, प्राइसेस इधर पहुंची हुई थी. तो खैर अगला व्लॉग शुरू करते हैं इसके बाद और उधर देखना कि ईद की क्या शॉपिंग की, किस तरह की, क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ. आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग. और मेरी जान सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मेरे व्लॉग्स मिस ना किया करो, कमेंट डाउन करो बाय, और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ. और यार पसंद आ रहा था तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, और किस तरह के व्लॉग चाहिए ये भी बता देना. ओके सी यू बाय.